हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोर्स के अंदर चलते हैं और हेम फ्लेंज सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, और यहाँ से प्राइमरी शीट लेते हैं। मैंने यहाँ पर स्केच कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे टैब में, क्योंकि ये क्लोज प्रोफाइल है, इसे सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ से क्रिएट हो गया है। ओके, सिंपली यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं ये शीट मेटल यहाँ से 5 mm थिकनेस के साथ ये क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर के अंदर तो हेम फ्लेंज है। तो चलिए हेम फ्लेंज के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्लोज यहाँ पर टाइप, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस टाइप का आपको फ्लेंज चाहिए हेम, यहाँ से उस टाइप का यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट एज कहा जा रहा है, तो इस एज को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह का आपको फ्लेंज मिल जाएगा। देख सकते हैं इस तरह का हेंज आप क्रिएट कर सकते हैं। ये क्लोज टाइप है, ओपन लेना चाहेंगे तो इस तरह का होगा एस टाइप, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसका यहाँ से वैल्यू बदल सकते हैं, सारे का डिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका डिस्टेंस कहाँ पर बदलने से ये यहाँ से मॉडिफाई हो सकता है। तो यहाँ से आप बदल सकते हैं फ्लेंज लेंथ है, बेंड रेडियस है। ओके, और यहाँ पे बेंड रेडियस ये है, ये सारे चीज़ यहाँ से चेंज करके इसका आप ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 4 है, या मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th नंबर पर फ्लेंज लेंथ है, इसका 20 है। इसे अगर हम 40 रखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ चेंज हो गया ये। तो इस तरह से इस वैल्यू को चेंज करके इसे चेंज किया जा सकता है। ये इस टाइप है, कर्ल चाहिए तो तरह से यूज कर सकते हैं आप। और कर्ल में आप देखेंगे इस तरह से यूज किया जा सकता है, ओपन लूप में इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्लोज कर्व में इस तरह से, सेंट्रल लूप ये है। ये सारे तरीके से आप इसे यूज इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये हेम का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, जिसके थ्रू आप इतनी इस तरह का आप सीट मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडरी सीट यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है ये सारे हेम को टूल यूज करके। ओके, और अगर आप यहाँ पर फिर हेम के अंदर जानते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो जॉग है, और जॉग और बेंड के बारे में जानते हैं, इस दोनों को कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लिए एक स्केच करना होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्केच करते हैं। स्केच इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। ओके, मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, फिनिश स्केच, और इसके बाद मोर में चलते हैं और जॉब के बारे में जानते हैं। जॉब को मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर पूछा जा रहा है सिलेक्ट कर्व, तो इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट फेस, कौन से फेस को आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आप जेड सेक्शन टाइप का यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, किसी एक लाइन को रेफरेंस में लेकर के यहाँ से जेड सेक्शन टाइप को यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। इसका आप हाइट दे सकते हैं, यहाँ पर 20 है, 50 दे सकते हैं, तो इसका हाइट यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सेम है हाइट रिफरेंस, यहाँ पर आउटसाइड आउटर रखना है, इनर रखना है, ये रख सकते हैं। मटेरियल साइड यहाँ पर आउट ये रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इजिली यहाँ से इस तरह का सेक्शन, जेड टाइप का सेक्शन आप एक लाइन के थ्रू यहाँ से इजिली क्रिएट किया जा सकता है। कंट्रोल जेड से बैक चलते हैं, और अब जानते हैं हम बेंड में। तो जॉग और बेंड में क्या डिफरेंस है, जॉग के थ्रू हम जेड सेक्शन टाइप का सीट मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, और बेंड के थ्रू सिर्फ यहां से बेंड हो जाएगा इस लाइन के रिफरेंस में। सिलेक्ट कर पूछा जा रहा है, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और देख सकते हैं ये किस तरह से ये कर्व हो चुका है। इसका यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं, जितना एंगल आपको चाहिए यहाँ से एंगल इस तरह से चेंज किया जा सकता है। रिवर्स डायरेक्शन तो इस तरफ होगा, रिवर्स साइड तो इस तरफ का ये बेंड होगा, आप देख सकते हैं।
ये इस तरफ का बेंड इससे यहाँ से किया जा सकता है, रिवर्स साइड में रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर नीचे यहाँ से चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनर मॉडल लाइन प्रोफाइल कहाँ से ये क्रिएट होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फाइनली यहाँ से ओके करेंगे और इस तरह से सीट मेटल को बेंड करने का यूज कर सकते हैं किसी भी एक लाइन के थ्रू। ओके, यहाँ पर एक बेंड रेडियस भी थोड़ा बन जाता है, जो कि जो मैंने पैरामीटर में सेट किया था वो यहाँ से इसका बेंड रेडियस आप ये देख सकते हैं। तो हम बता चुके हैं कि फाइल में जा करके प्रीफ्रेंस में जाएंगे, सीट मेटल में जाके पैरामीटर फर्स्ट सिलेक्ट करना होता है, जिसका मटेरियल थिकनेस यहाँ पर 5 है और बेंड रेडियस जो यहाँ पर देख रहे हैं वो 3 है। रिलीफ डेप्थ जो यहाँ पर हम सेट करेंगे वो सारे सीट मेटल जो भी क्रिएट करेंगे सभी का थिकनेस बेंड रेडियस ये सब सेम रहेगा यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हेम और जॉग और बेंड का यूज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाय बाय।